think exercise 5.7, question number 12. If y is equal to cos inverse x, find d square y over dx square in terms of y alone. देखिए y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x है, तो इसका हम dy वाई ओ डी एक्स करें, डी वाई ओ डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स कॉस इनवर्स x, और कॉस इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस के वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस के वन बाई थ्री। फिर अगेन डेरिवेटिव करें हम, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, तो पहले पावर के अकॉर्डिंग करेंगे, माइनस और माइनस पहले से है तो वन बाई टू आ जाएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस के वन बाई टू और माइनस वन, वन का करेंगे जीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का माइनस के टू एक्स हो जाएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये माइनस के एक्स और ये अपॉन में आ जाएगा माइनस टू और माइनस वन, माइनस के थ्री बाई टू, तो ये हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर थ्री वाई। अब देखिए आंसर लाना है इन टर्म्स ऑफ वाई अलोन, इन टर्म्स ऑफ वाई अलोन लाने के लिए y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x है हमारा, तो कॉस इनवर्स को जल्दी क्या रहेंगे हम, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस y, आंसर लाना है y के अलोन से, तो जहाँ x है वहाँ क्या पुट कर देंगे हम, कॉस y, तो d स्क्वायर y ओवर d x स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका माइनस के कॉस वाई अपॉन अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर, वन माइनस कॉस स्क्वायर वाई इसकी पावर थ्री वाई, तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस के कॉस वाई और वन माइनस कोस स्क्वायर वाई साइन स्क्वायर वाई इसकी पावर थ्री वाई टू, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस के कोस वाई अपॉन साइन टू हो जाएगा, तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस के कोस वाई और साइन क्यू वाई को ले सकते हैं हम, साइन वाई इंटू साइन स्क्वायर वाई, कॉस वाई अपॉन साइन वाई ये हो जाएगा माइनस के कॉट वाई और वन अपॉन साइन स्क्वायर वाई हो जाएगा कोसेक स्क्वायर वाई, तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस के कॉट वाई इंटू कोसेक स्क्वायर वाई। क्वेश्चन नंबर 13, इफ वाई इज इक्वल टू थ्री कॉस लॉग एक्स प्लस के फोर साइन लॉग एक्स सो दैट एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। देखिए जो वाई वन और वाई टू हैं, वाई वन मीन्स सिंगल डेरिवेटिव और वाई टू मीन्स होता है डबल डेरिवेटिव, तो सबसे पहले ऑन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, ऑन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तो डी वाई ओवर डी एक्स
और कॉस का हो जाएगा आपका माइनस के साइन, माइनस के की साइन लॉग एक्स, कॉस का हो गया माइनस के थ्री साइन लॉग एक्स, कॉस के अकॉर्डिंग लॉग का करेंगे तो हम वन अपॉन एक्स हो जाएगा। इधर साइन एक्स का फिर कॉस एक्स, फोर कॉस लॉग एक्स, और लॉग एक्स का करेंगे तो एक्स आ जाएगा। डी वाई और डी एक्स को वाई वन लिख सकता हूँ, वाई वन इज इक्वल टू माइनस के थ्री साइन लॉग एक्स, और दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, प्लस फोर कॉस लॉग एक्स, तो अपॉन में एक्स भी आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये एक्स बाई वन हो जाएगा, एक्स बाई वन इज इक्वल टू माइनस के थ्री साइन लॉग एक्स प्लस के फोर कॉस लॉग एक्स। ऑन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तो यहाँ पर आपका यू इंटू वी रूल लग जाएगा, एक्स का वन हो जाएगा, ये वाई वन हो जाएगा, प्लस एक्स का मल्टीप्लाई वाई वन का वाई टू हो जाएगा। फिर हम माइनस थ्री चलो बाहर लेते हैं, साइन का कॉस लॉग एक्स हो जाएगा, और लॉग एक्स का करेंगे तो अपॉन एक्स हो जाएगा, प्लस फोर कॉस का हो जाएगा माइनस के साइन, माइनस के साइन लॉग एक्स, और लॉग एक्स का अपॉन एक्स। फिर हम एक्स एलसीएम लेते हैं, तो वाई वन प्लस एक्स वाई टू इजिकल टू रहेगा माइनस के थ्री कॉस लॉग एक्स, और माइनस के फोर साइन लॉग एक्स अपॉन एक्स। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, तो ये एक्स एक्स वाई वन हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर वाई टू रहेगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये थ्री कॉस लॉग एक्स, थ्री कॉस लॉग एक्स प्लस के फोर साइन लॉग एक्स। इसके बाद देखिए थ्री कॉस लॉग एक्स प्लस के फोर साइन लॉग एक्स किसके बराबर है, वाई के बराबर है, तो यहाँ पर हम वाई लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन इजिकल टू माइनस वाई, तो माइनस वाई इधर आ जाएगा हमारा, तो एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इजिकल टू जीरो। और यही हमको प्रूफ करना था, देखिए एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इजिकल टू जीरो। क्वेश्चन नंबर 14, इफ y इज इक्वल टू ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स, सो दैट डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एम एन वाई इज इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले हम डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करते हैं, तो ऑन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो डी वाई ओवर डी एक्स ए ई की पावर एम एक्स, और एम एक्स का हो जाएगा एम, प्लस डी ई की पावर एन एक्स, और एन एक्स का हो जाएगा एम।
तो इसको लिखते हैं डी वाई ओवर डी एक्स इजिकल टू ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस डी एम ई की पावर एन एक्स। अब करते हैं डबल डेरिवेटिव अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तो ये रहेगा डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर। ए एम रहेगा ई की पावर एम एक्स का ई की पावर एम एक्स होगा एम एक्स का इन टू एम फिर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स। इसलिए तो ई की पावर एन एक्स ई की पावर एन एक्स हो जाएगा फिर एन एक्स एन एन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। अब सो दैट क्या करना है हमको कि डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एन प्लस एन डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एम एन वाई इज इक्वल टू जीरो। डबल डेरिवेटिव क्या आ गया हमारा ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स माइनस एम प्लस एन और डी वाई ओ डी एक्स आ गया ए ई की पावर एम एक्स डी वाई ओ डी एक्स ये हो जाएगा ए एम चलू ए एम ई की पावर एम एक्स और ये प्लस बी एन ई की पावर एम एक्स बी एन ई की पावर एम एक्स। उसके बाद प्लस एम एन वाई और वाई कितना है आपका ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स इजिकल टू जी। तो ये हो गया आपका ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस ये हो जाएगा आपका बी एन स्क्वायर था तो बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स माइनस एम से करेंगे मल्टीप्लाई तो एम का करेंगे एम से तो माइनस ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स माइनस एम का करेंगे यहाँ पर तो माइनस प्लस माइनस बी एम एन ई की पावर एम एक्स फिर एन से करेंगे तो माइनस ए एम एन ई की पावर एम एक्स फिर माइनस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स और ये हो जाएगा ए एम एन ई की पावर एम एक्स और ये हो जाएगा आपका बी एम एन ई की पावर एन एक्स। और देखिए सारे कैंसिल हो जाएंगे ए स्क्वायर एम ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स ये कैंसिल हो जाएगा बी एन स्क्वायर ई की पावर एम एक्स ये कैंसिल हो जाएगा माइनस के बी एम एन तो प्लस के बी एम एन एन एक्स हो जाएगा ये भी कैंसिल हो गया सारे कैंसिल हो गए। तो हमें क्या प्रूफ करना देखो हो गया कि डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एम एन वाई इज इक्वल टू जीरो और यही प्रूफ करना। क्वेश्चन 15 देखिए वाई इज इक्वल टू 500 ई की पावर 7x प्लस 600 ई की पावर माइनस 7x सो दैट डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49y। तो ऑन डेरिवेटिव
non differential with respect to x both sides, so dy over dx 500 e की पावर 7 ऐसा रहेगा, e की पावर 7 ऐसा रहेगा और इनटू 7 आ जाएगा। इसी तरह से 600 e की पावर माइनस 7 ऐसा 7x माइनस 7 करेंगे तो इनटू 7 आ जाएगा। तो ये dy ओवर dx हो जाएगा आपका। इधर से हम यह 7 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 500 e की पावर 7x और माइनस 7 माइनस 600 e की पावर माइनस के 7x। अब अगेन डेरिवेटिव, अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर 500 e की पावर 7x का e की पावर 7x इंटू 7 जो माइनस के 600 e की पावर माइनस 7x का 7x और माइनस 7x का मतलब इंटू माइनस के 7 हो जाएगा। फिर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, फिर 7 कौन आ जाएगा, 7 पहले से ही है 7 इंटू 7 और ये 500 e की पावर 7x और ये प्लस 600 e की पावर माइनस के 7x 7 से 49 डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर 49 और ये किसके बराबर हो जाएगा y के बराबर। तो देखिए हमें यही प्रूफ करना था कि डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49y। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इफ e की पावर y x प्लस की 1 इज इक्वल टू 1 सो दैट डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसे कि e की पावर y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो 1 अपॉन एक्स प्लस की 1 हो जाएगी। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 की पावर होल पावर माइनस 1। उसके बाद ऑन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, e की पावर y का e की पावर y का करेंगे हम dy ओवर dx, पावर के अकॉर्डिंग करते हैं तो माइनस x प्लस 1 की पावर माइनस 2 हो जाएगा। e की पावर y dy ओवर dx इक्वल टू है माइनस के 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर और dy ओवर dx माइनस के 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर और यह e की पावर 1। तो dy ओवर dx माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, e की पावर y की वैल्यू क्या है 1 अपॉन x प्लस 1, यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस के 1, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो dy ओवर dx है, dy ओवर dx क्या हो जाएगा हमारा माइनस के 1 अपॉन x प्लस 1 हो जाएगा dy ओवर dx। और इसको भी हम dy ओवर dx इसको लिखते हैं माइनस x प्लस 1 की पावर माइनस 1। फिर अगेन डेरिवेटिव, अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x
बोथ साइड, तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पावर के अकॉर्डिंग करेंगे तो माइनस के, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एक्स प्लस वन की पावर माइनस टू होगा। तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर और वन अपॉन एक्स प्लस वन की पावर वन स्क्वायर होगा। और देखिए वन अपॉन एक्स प्लस के वन इज इक्वल टू क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स। तो इसको क्या लिखते हैं हम, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर और इसको लिखते हैं हम डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। और ये प्रूफ करना था एक्सरसाइज 5.7 का। देखिए 70 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। ए वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर सो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर वाई टू प्लस टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई वन इजिकल टू टू। देखिए पहले हम डेरिवेटिव करते हैं ऑन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो डी वाई और डी एक्स पहले हम पावर के अकॉर्डिंग करते हैं, तो टू अपॉन टेन इनवर्स एक्स, पहले पावर के अकॉर्डिंग टू टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा पावर के अकॉर्डिंग। और टेन इनवर्स एक्स का करेंगे तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू टू टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, टू टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। हम डी वाई ओवर डी एक्स को वाई वन मान सकते हैं, वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन इज इक्वल टू टू टेन इनवर्स एक्स। अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तो यू इंटू वी रूल हो जाएगा, वन का डेट जीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का टू एक्स हो जाएगा इंटू वाई वन प्लस वाई वन का डेल्ट करेंगे तो वाई टू हो जाएगा और वन प्लस एक्स स्क्वायर और टू टेन वर्स एक्स हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा टू एक्स वाई वन इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो ये वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू वाई टू हो जाएगा इक्वल टू। और देखिए ये प्रूफ करना था हमको कि वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस टू एक्स वाई वन इक्वल टू टू।